बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत होगी, जिसमें यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। तो लखनऊ में बीजेपी कार्यसमिति की आज बैठक है, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे और यूपी के सीएम इसमें रहेंगे। विधानसभा चुनाव पर बैठक में चर्चा हो सकती है, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हो सकती है। हरियाणा के सिरसा में अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने चार दिन पहले हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा की गाड़ी पर हमला करने के आरोप में 5 किसानों को गिरफ्तार किया था, जिनकी रिहाई के लिए उनके साथी सड़क पर उतर आए और रास्ता जाम कर दिया। जब वो रास्ते से हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस को हल्के बल का इस्तेमाल करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें हंगामा कर रहे एक किसान को कुछ पुलिस वालों ने घेर लिया, फिर उसे कई थप्पड़ जड़े, जिसके बाद उसे और उसके एक साथी प्रदर्शनकारी को पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया। झड़प के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ किसान आगे आए और पुलिस से अपील की कि वो मारपीट तक न पहुंचे। हालांकि उन किसानों की मांग जस की तस बनी रही। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई, तो विरोध की आग फैलती चली जाएगी। धीरे धीरे हम पूरे हरियाणा को जाम करेंगे और पूरा हरियाणा यहाँ पहुँचेगा। वो इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनके साथियों को रिहा नहीं किया जाएगा, वो विरोध प्रदर्शन को इसी तरह जारी रखेंगे।